कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना है? नमस्ते। और क्या करना चाहिए? सैनिटाइजर, हैंड वॉश और मास्क पहन के घूमना चाहिए और अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, ऐसे करना चाहिए। हाँ। और कितना टाइम करना चाहिए? एक एक मिनट पे ही कर लेना चाहिए। हाँ। अच्छा, और बाहर जाना चाहिए मास्क पहन के? हाँ, काम से जाना चाहिए। काम से जाना चाहिए, अच्छा। ऐसे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, और बाहर से हम कुछ खा सकते हैं? नहीं, नहीं खाना चाहिए। अच्छा, और क्या नहीं करना चाहिए? और घर पे ही कुछ करना चाहिए। अच्छा, घर पे ही रहना चाहिए। हाँ, डांस क्लास बंद, पार्क बंद और क्या बंद? और म्यूजिक क्लास बंद। हाँ। और स्कूल बंद। हाँ। जिम बंद। सारे बंद हो जाएंगे। ऑफिस बंद। अच्छा, सारे बंद हो गए। उधर के अभी बंद नहीं हुए हैं, एक महीने बस, एक ही दिन बंद हुए हैं, फिर हम लोग जाएंगे स्कूल। अच्छा, मतलब कुछ दिनों की छुट्टी हुई है आपकी। हाँ। स्कूल की। अच्छा, फिर हमें और तो कुछ अच्छी चीजें घर ही पे करना चाहिए। अच्छा। बाहर के सामान बाहर में खेलना नहीं चाहिए। अच्छा, बस काम से जाना ही चाहिए, लेकिन पैसे देने चाहिए ऑफिसर को। अच्छा, कहते हैं कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल चुका है और वो भारत में भी फैल रहा है, तो हमें इसके लिए प्रिकॉशंस लेने होंगे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमें जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें हैंडशेक ना करके उससे नमस्ते करना चाहिए और हमें एक एक घंटे के बाद घर पे हैंड वॉश करना चाहिए। ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखें। पहले हमें ऐसे अपने दोनों हाथ को रगड़ना चाहिए, फिर ऐसे और फिर हमें अपने नेल्स को ऐसे, फिर ये वाले नेल्स को ऐसे, और फिर हमें ये जो ऐसे करके अपने थंब को ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे करके ऐसे ऐसे दूसरे हाथ का भी करना है। और फिर हमें बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना है और हमें जितना हो सके बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए और हमें आउटिंग भी नहीं करनी है और गैदरिंग भी नहीं करनी है। और अगर आप कहीं बाहर जाते भी हो तब आप कोई इम्पॉर्टेंट काम से ही जाना चाहिए, नहीं तो कोई भी ऐसा वैसा काम से नहीं जाना चाहिए। और अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो अपने मास्क और सैनिटाइजर को साथ रखना चाहिए। और फिर हमें लिफ्ट को अपने उंगलियों से ना इस्तेमाल करके अपने एल्बो स्टिक या टूथपिक से इस्तेमाल करना चाहिए और हमें डोर्स को बंद करने के लिए अपने हाथों का ना इस्तेमाल करके अपने बैक का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें बाहर जब भी हम हैं तो हमें सैनिटाइज करते रहना चाहिए और हमें गैदरिंग भी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ एक गजब की चीज़ जिसका नाम है कोरोना से बचने का तरीका। पहले तो आप घूमने जाए या बाहर जाए तो दो चीज़ ना भूलिए, सैनिटाइजर एंड मास्क। अगर आपके पास मास्क नहीं हुए तो आप हैंकी भी यूज कर सकते हैं। और अब चलिए घर का बातें करते हैं, मतलब कोरोना से घर में बचने का। पहले तो अपने हाथ ऐसे थोड़ा सा धो ले, फिर डाल ले और थोड़ा थोड़ा पानी ले,
फिर इसे रगड़ रगड़ के धोए और ध्यान रहे 20 सेकंड्स तक। ये आदत बच्चों को भी सिखा दीजिएगा, आप खुद भी करते रहेगा। और ये सब करने के बाद बहुत आपका हार्ट फ्रेश रहेगा और कोई भी बीमारी आपसे टकेगा नहीं। और मेरा 20 सेकंड हो गया, अब मैं धो लेती हूँ। ऐसे धोना चाहिए। बाहर जाएंगे और बाहर से आएंगे तो सैनिटाइजर लगाना न भूलें, याद रखिएगा अपना दिमाग में। और अब चलिए मैं आपको सैनिटाइजर लगाना सिखाती हूँ। पहले तो अपने हाथ पोछे, ये सैनिटाइजर और इसका एक ही बूंद ले मेरे घर। और अगर आप बाहर जाएंगे तो हाथ नहीं मिलाएगा,